नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया की 6 बड़ी परमाणु ताकतों ने नए साल के पहले दिन ही दुनिया के सामने अपने परमाणु प्लान का ऐलान कर दिया है। ये 6 न्यूक्लियर गॉडफादर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पूरी धरती को परमाणु की रेडियो एक्टिव अग्नि में झोंकने वाले हैं। रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया, इजराइल, चीन और ब्रिटेन दुनिया के ये 6 देशों के एटम बम हथियार डिपो से बाहर आ चुके हैं। इनमें भी रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया और चीन के परमाणु प्रहारक तो निशाना तक साध चुके हैं। गाजा और यूक्रेन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नए साल की शुरुआत से कुछ ही घंटे पहले दुनिया में एक और ऐसी जंग शुरू हो गई है जिसका अंजाम एटम बम से कम नहीं होगा। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2023 की कामयाबियां गिनवा रहे थे। फिर उन्होंने 2024 वाला प्रण लिया और साफ साफ शब्दों में कहा कि ताइवान को चीन में मिलना है। शी जिनपिंग ने साल 2023 के अंतिम और 2024 के पहले संबोधन में चीन के लोगों से वादा किया। जिनपिंग ने कहा कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है, ताइवान निश्चित रूप से चीन में शामिल होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो बलपूर्वक ताइवान को चीन में आया जाएगा, लेकिन ताइवान पर अंततः बीजिंग का ही नियंत्रण होगा। इधर चीन के विस्तारवादी राष्ट्रपति ने ताइवान को चीन में मिलाने का प्रण लिया। उधर चीन ने फाइटर जेट और युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट की तरफ बढ़ा दिए हैं। हालांकि 2023 में भी चीन कई बार ताइवान स्ट्रेट में अपनी हद से आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस बार नया साल शुरू होते ही जिनपिंग ने जिस तरह ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने का वादा किया है, उसने तय कर दिया है कि 2024 में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। और अगर ये युद्ध हुआ तो पहले दिन से ये जंग अमेरिका और चीन की जंग होगी और समंदर एटमी शोलों से भर जाएगा। ताइवान में 13 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव है, उससे ठीक पहले धमकी देकर चीन ने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार शी की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चीन ने पिछले हफ्ते ही नेवी कमांडर जनरल डोंग जुन को नया रक्षा मंत्री बनाया है। चीन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब नौसेना के किसी अधिकारी को यह पद मिला है।